हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफ दीपक गौतम आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान की एक मशहूर डिश जिसका नाम है मेथी की सब्जी। इसके लिए हमें चाहिए होगा हल्दी, जीरा, किशमिश, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, दाना मेथी, लहसुन, चीनी, अदरक, कुछ टमाटर और हरी मिर्च। सबसे पहले हम डालेंगे कढ़ाई में तेल, लगभग 3 से 4 चम्मच। और जब तक ये तेल गर्म होता है, पानी पहले से उबाल के रखा है, उसमें हम डाल देंगे दाना मेथी जो कि पहले से भीगी हुई थी 12 से 15 घंटे। और साथ ही काट लेते हैं टमाटर और हरी मिर्च को। हमारे टमाटर मिर्ची कट चुके हैं और तेल भी गर्म हो चुका है। सबसे पहले डालेंगे जीरा। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड जिंजर और गार्लिक। इसमें डालने होंगे टमाटर। और इसी के साथ इसमें मिला देंगे हम हरी मिर्च। मेथी हमारी उबलनी शुरू हो गई है। इस मेथी में हम डालेंगे किशमिश और एक बार चला देंगे इसे। टमाटर बिल्कुल भुन चुके हैं इसमें। इसमें हम डालेंगे मसाले, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे नमक और थोड़ी सी चीनी। इसको करना है मिक्स। हम मिलाएंगे थोड़ा सा पानी। जब तक ये रेडी हो रहा है, हम चेक करते हैं हमारी मेथी। मेथी पक के बिल्कुल तैयार। इसको हम निकाल लेते हैं। मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें हम डालेंगे दाना मेथी। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। इसको पकाएंगे 5 से 10 मिनट। फ्रेंड्स, तैयार है आपकी दाना मेथी की सब्जी। इट्स टाइम टू सर्व। इसको करेंगे हम गार्निश हरे धनिए के साथ और साथ में लगाएंगे इसमें थोड़ा पुदीना। फ्रेंड्स, तैयार है आपकी दाना मेथी की सब्जी। खाएं, खिलाएं, पूरे परिवार के साथ एंजॉय करें। अगली बार फिर हाजिर होता हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी लेके। तब तक के लिए नमस्कार।